नमस्कार दिव्य सज्जनों, मैं डी वैंको, आप सबका होस्ट। बकवास नहीं करूंगा, सीधा मेन टॉपिक पे आऊंगा, मेन बात पे आऊंगा। ओके डन। ब्राउन बेयर, ये जानवर जितना भोला भाला और प्यारा लग रहा है उतना ही खूंखार और समझदार भी है। लगभग 200 से 300 किलो वेट होने के बावजूद 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। घरों के दरवाजे तो ये बड़े आराम से तोड़ देता है। तो इमेजिन कीजिए, गलती से आप इसके सामने आ गए। इफ दे फील थ्रेटन्ड, बस बात खत्म। तो इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ उस ब्राउन बेयर को ऑब्जर्व करने, उसी के नेचुरल हैबिटेट में। त्रास, ये हमारा मास ब्लॉगर जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा हाइप था, वो है त्रास। और त्रास का ये रिसोर्ट जहां पे मैं भी आ रखा हूं। I'm on a mission. मुझे इस आरामदायक रिसोर्ट से बाहर निकल के एक भालू की तरह सोचना होगा और अपने बीस्ट सेंसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू यूज सेवंथ फॉर्म। केदामोनो नो कोक्यू शित्सु नो काता कुकान सुकिकाकु। सिग्नल मिले बट वो बहुत वीक, भालू बहुत दूर है। इस हरकत को इग्नोर करें, कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर दिया था मैंने। पूरी सेना तैयार हो चुकी है जाने के लिए, पियर को पकड़ने के लिए, देखने के लिए। आपको पता है ना, मनमन टॉप जा रहे हैं, वो खतरनाक पहुंचे से पूरा त्रास दिखता है। यस। भाई साहब मजा आ गया, मई जून में इतनी मोटी बर्फ की परत देखने को मिल रही है। जितना आप ऊपर जाते रहेंगे उतना आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहीं तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्यों? रोड ब्लॉक हो चुकी है इस आदमी की वजह से। नहीं साइड हो भाई, ये बर्फ का बहुत बड़ा पैच और अब हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। हम यहीं तक थे, अब हम यहाँ से व्यू लेंगे और बहुत ही खतरनाक व्यू आ रहा है पूरे द्रास का। इतना मस्त व्यू आ रहा है, पहाड़ी पहाड़ और उसके बीच बिल्कुल सपाट लैंड द्रास। ओह कंपटीशन है सर, जब मारा नीचे थे कैसे ये फेंका, वो देख वो देख वो देख, बोला बंदी क्या यार ऐसा कुछ दिखेगा नीचे, कर कर आई डिक्लेयर वॉर। और यहीं तक कर रहा, मुंह पे नहीं मारना, ताने बोल रहा हूं। बहुत बर्फ में खेलता है भाई, दोनों हाफ हो गए हैं, अभी सांस नहीं आएगी, पानी नहीं होगा। कौन सा बताया आपने? वाइल्ड टेलर बेयर फूड। फूड है सर, बेयर फूड। अगर मैं खाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं शायद उसे और आसानी से ढूंढ पाऊं। मीठा है। वन वन टॉप में मजा बहुत आया, लेकिन ब्राउन बेयर नहीं मिला। आंखों में मिर्च मचने के बाद फाइनली मैं डिसाइड करता हूं कि एक सनग्लास ले लिया जाए, 250 रुपए। अब हम चल पड़े हैं एक दूसरी साइड की तरफ, मुश्को वैली। मुझे लगता है कि हमारा बियर साइटिंग सक्सेसफुल तभी होगा जब हम मुश्को वैली की तरफ जाएंगे, उस ओर। मेरे को फील आ रही है, गट फीलिंग है। गट फीलिंग, गट फीलिंग कुछ नहीं, करमजीत भाई ने बताया। वाह भाई, यार कैमरा के तो रहने देना यार, फील फील के चाहिए। ठीक है, रीटेक। मैं जा रहा हूं, आते रहना पीछे से। भाई नदी के साथ भागने में अलग ही फील है, मैं रोज सुबह उठ कर नदी साथ भागूंगा। सही से घोड़े तो नहीं देख पा रहा, इससे बियर क्या साइड करूंगा, छे बेकार। किसी
किसी की मौत में इतनी खुशी मुझे आज तक पहले नहीं हुई। इस सुंदर मुश्को वैली में भटकते भटकते शाम हो गई, पर बेर नहीं मिला। अरे तो दास क्यों भाई, चलो वहां नदी के पास चलते हैं। मुझे मेरी तन्हाई के साथ अकेला छोड़ दे प्लीज। मुश्को वैली आने के बाद भी अगर मुझे बेर नहीं मिला तो मेरे हो क्या करूंगा मैं, कहां हो सकता है वो बेर। भाई मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ नदी के पास, आना है तो आ जाना। मैं सही में बहुत परेशान हो चुका था। फिर तभी राघव हीरो बन के आता है और बोलता है, अरे कोई नहीं भैया, इतना परेशान मत हो, मुझे दिल से लग रहा है कि हमको कल टाइगर जरूर मिलेगा। पिया ढूंढ रहा हूं मैं गधा। The next morning। ये देखो जरा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भाई। मैं मेकअप वेकअप नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। ये अकल मेरे को आज तीसरे दिन आई है जब मेरी पूरी स्किन फट के लाल हो गई है। जब इतनी बार बता रहा था याद नहीं आया आपको। दोस्त तेरे मुंह पे मारूंगा ना कैमरा घुमा के, तू भी फटा पड़ा है। ये हमारा लास्ट है और हम जा रहे हैं एक आखिरी बार चांस देने बियर को ढूंढने की ओर, देखते क्या होता है। ये है बांद्रास, पीछे बहुत ही बढ़िया सुंदर सा गांव और एक बहुत ही हरियाली भरी ये जमीन। मेरे को उम्मीद है कि हमें बहुत ही पास से ब्राउन बियर्स देख पाऊं, क्या लगता है? लगता तो है कि मिल जाएंगे, मैंने कहा था ना तो मिलेंगे सर, बोला था ना, और अभी तक तो मिलेगा। देखते रहो Finally. मुझे एक नहीं, मुझे दो भालू दिख गए। अब तो भाई नेकेड आई से भी दिखने लग गया। ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा, पर ऐसा दिखेगा। क्या देख रहा है, क्या मिला भाई? खतरनाक सीन मिला भाई। क्या दो बियर दिखे थे? हाँ, अब एक बियर उसकी बीवी, दो बच्चे दिख गए। बीवी है उसकी, देखो कैसे पता भाई। दूसरा वाला दूसरी साइड से छुप रहा है, वो दरा लाना चाहता है घर में पर ला नहीं रहा। ये जो मेल है वहाँ का भाई पावरफुल है भाई, वो आने नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी उसकी भाई, टेडी बियर जैसा लग रहा है भाई, दोनों छोटे छोटे। तो इस तरह से मैंने एक साथ पांच ब्राउन बियर देख लिए। अब बात करते हैं द्रास की। ओए होए, मैं फैन हो गया, बहुत सुंदर, खतरनाक व्यूज, मजा आया। ये लास्ट डे था और ये बेस्ट डे था। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। द्रास का मेरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल, मेरा पहली बार था ये द्रास, लेकिन बेस्ट। ओके द्रास, मजा आया दोस्त, मिलेंगे फिर कभी। Remember, when encountering wildlife, it's important to maintain a safe distance and respect their natural behavior. हाँ, भैया बताएंगे। क्या है भैया? छुताई। छुताई। छु means water and ताई means blood. समझ गया? भाई फिलहाल मेरा दिमाग खराब हो रहा खा के, मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मतलब इतना अच्छा नहीं है दिमाग। मेरा बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बोलने का वो कभी नहीं आता। मेरा boom.